कि उस कमेटी में जो जो सबूत की बात या जो जो आरोप इनकी तरफ से सात पीड़ित बेटियों की तरफ से लगाए गए हैं, उन सारे आरोपों की एक एक जानकारी ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचाई गई है। और ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद मोदी सरकार और अमित शाह की पुलिस कर रही है। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, मुझे लगता है वह सब सबूत जुटाने से ज्यादा सबूतों को नष्ट करने का खेल अधिक लगता है। पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने पर तत्काल गिरफ्तारी की गारंटी है, तो फिर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे देश में संविधान से ऊपर, उस कानून से ऊपर हो गया है जिस पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है। आपने सुना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तो दावा कर दिया है इनके पास कोई वीडियो नहीं है। कैसे पता लगा कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बाकी पांच और जो लड़कियां हैं उनके पास यौन शोषण के संदर्भ में वीडियो नहीं है? इसका मतलब ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करने से पहले ये तमाम पुख्ता कर लेता था कि कहीं इनके पास मोबाइल तो नहीं है, जहां पर इनके साथ यौन शोषण की घटना हो वहां पर कोई कैमरा तो नहीं चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह बेटियों का यौन शोषण करता था। हमारे इन पहलवानों के पक्ष में जो कमेटी बनी थी, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, उस कमेटी में पहलवान बबीता फोगाट भी शामिल थी। और बबीता फोगाट ने एक बड़ा बयान जारी करके एक बड़ा आरोप लगाया विनेश फोगाट पर कि विनेश फोगाट जंतर मंतर में रह करके राजनीति कर रही है और ये अपना राजनीतिक रोटी सेक करके कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रही है। ये बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगाया गया। और क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के गले लगी है विनेश फोगाट, ये आरोप इसलिए है। तो अगर बबीता फोगाट का यह आरोप गंभीर है तो इसके लिए प्रयोग के तौर पर सबसे बड़ा काम यह होता कि महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर के बबीता फोगाट यहाँ आ गई होती। और बबीता फोगाट जब स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ पहुँचती और विनेश फोगाट उसे गले नहीं लगाती तो तब यह माना जा सकता था कि यह आरोप सत्य है। लेकिन मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, बबीता फोगाट ने यह सब अपने स्तर से नहीं कहा। बबीता फोगाट आज कह रही है कि राजनीतिक रोटियां सेक रही है, लेकिन जब जनवरी में पहलवान धरने पर डटे थे तब बबीता फोगाट ने नहीं कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आरोप कितना भयंकर है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये तमाम बैठे हुए हैं कि देश की सात पहलवान बेटियों का यौन शोषण भाजपा सांसद ब्रजभूषण के द्वारा किया गया है। ये संख्या ज्यादा भी बताई जा रही है, जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूं। लेकिन मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, मैं बात करना चाह रहा हूं। तब जनवरी में बबीता फोगाट ने यह आरोप नहीं लगाया, अब यह आरोप लगाया जा रहा है, जबकि हमारे पहलवानों की तरफ से, महिला पहलवानों की तरफ से केंद्रीय मंत्री महिलाओं को और तमाम महिला सांसदों को निजी तौर पर आमंत्रण पत्र दिया गया है और मदद मांगी गई है। एक भी जवाब मुंह नहीं खोल पा रहे हैं हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जो आसमान उठा देती थी हर मुद्दे पर सर के ऊपर। और ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बबीता फोगाट ने यही नहीं, एक और एहसान वाली बात भी कही है कि देखिए विनेश तुमको जानकारी है एक किसान को छह बेटियों को पाल करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवान बनाने के लिए कितना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ आपके साथ, कुछ इसी प्रकार की भाषा जब हमारे देश के अंदर दो मुकदमे दर्ज हों तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो आरोपी है, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी आपने सुना होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तो दावा कर दिया है इनके पास कोई वीडियो नहीं है। कैसे पता लगा कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बाकी पांच और जो लड़कियां हैं उनके पास यौन शोषण के संदर्भ में वीडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है, उनके पास फोटोग्राफ नहीं है? इसका मतलब ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करने से पहले ये तमाम पुख्ता कर लेता था कि कहीं इनके पास मोबाइल तो नहीं है, जहां पर इनके साथ यौन शोषण की घटना हो वहां पर कोई कैमरा तो नहीं चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह बेटियों का यौन शोषण करता था। एक दो इनकी शिकायत है पुलिस थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। दूसरी बात हो सकती है कि जो शिकायत सात देश की बेटियों ने पुलिस के पास और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई है और जो कमेटी बनी है सबके लिए खेल मंत्रालय के माध्यम से, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से, मुझे लगता है कि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कमेटी में जो जो सबूत
की बात या जो जो आरोप इनकी तरफ से सात पीड़ित बेटियों की तरफ से लगाए गए हैं, उन सारे आरोपों की एक एक जानकारी बिरजा भूषण शरण सिंह पहुंचाई गई है। और बिरजा भूषण शरण सिंह की मदद मोदी सरकार और अमित शाह की पुलिस कर रही है। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के लिए यूं तो जांच पड़ताल के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में भी डीसीपी की अगुवाई में 10 महिला पुलिसकर्मियों की टीम जांच पड़ताल कर रही है और विदेशों में भी छानबीन करने की बात कर रही है। लेकिन मुझे लगता है वह सब सबूत जुटाने से ज़्यादा सबूतों को नष्ट करने का खेल अधिक लगता है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जो बबीता फोगाट कल तक पहलवानों के साथ थी, यौन शोषण के खिलाफ थी, यौन शोषण के खिलाफ जांच के लिए बनी कमेटी में इसी बिना पर रही थी कि वह इनका पक्ष रखेगी, उसने अपना तौर तरीका रवैया बदल दिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जाति का मामला है, ये जाति का मामला बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, कई लोगों को मेरी बात नागवार गुजर रही है। वो कह रहे हैं कि इसमें भाजपा सरकार का जिक्र मत करूं, तो क्या हमारे देश का कानून यौन शोषण का पास्को के कानून में कोई इस तरीके का प्रावधान है कि यदि कोई सांसद हो भाजपा का और उस पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो मुझे लगता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच से लेकर जो अभी इस मामले में सुनवाई कर रही है, उन जजों को सार्वजनिक करना चाहिए कि हाँ, इस कानून में एक ऐसा काला अध्याय है जिसके तहत अगर भाजपा का सांसद हो और वह कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हो, उसने यौन शोषण किया हो, उस पर पास्को और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो गया हो, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। तब अगर ऐसा प्रावधान होगा तब हम कह सकते हैं कि हमारी बात, हमारी मांग गलत है, ये पहलवान गलत मांग कर रही है। लेकिन जब उसमें बहुत साफ है कि पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने पर तत्काल गिरफ्तारी की गारंटी है, तो फिर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बिरजा भूषण शरण सिंह हमारे देश में संविधान से ऊपर, उस कानून से ऊपर हो गया है जिस पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है?